वेलकम वेलकम शाहिना का किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मखाने की मिठाई बनाने जा रही हूँ, मखाने की बर्फी। ये मेरा 150 ग्राम मखाना है, ये 50 ग्राम काजू है, ये 50 ग्राम कोकोनट पाउडर है और ये मेरा 100 ग्राम चीनी है। अब मैं मखाने को बगैर घी दिए इसको भुनेंगे, इसको स्लो आंच पर भुनेंगे, इसको जलाना नहीं है, तलना नहीं है। नहीं अटेगा, घर में भुनेंगे बिल्कुल ही हल्के हाथ से भुनना है, पूरा कुरकुर भुनना है, महंगाया हुआ नहीं होना चाहिए। मैं आँच को स्लो ही करके भुनना है, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे इत्मीनान से। 10-15 मिनट लगेगा भुनने में, क्योंकि दो बार भुनेंगे। उधर हमने दूध को चढ़ा दिया, खोआ बना रहे हैं, खोआ ज़रूरी है इसमें देना, खोआ देंगे जब तक कि ये दूध भी इधर गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए ये दूध भी गाढ़ा होगा अभी, ये बिल्कुल ही देखिए एकदम कच्चा है, देखिए एकदम, देखिए कोई भी जरा सा भी कुरकुर आवाज़ नहीं है। इसको उस वक्त तक भुनना है जब तक कि ये कुरकुर नहीं हो जाता है, चूर हाथ से नहीं हो जाता है। इसके बाद से ठंडा होने के बाद तब इसको हम जार में दे करके इसको भुनेंगे। आप चाहें तो 50-60 ग्राम का भी बना सकती हैं, अपने हिसाब से जितना आप बनाना चाहें। मेरे यहाँ मीठा बहुत शौक से लोग खाते हैं, इसलिए मैं मीठा थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। बट भी जाता है, दो दो पीस, तीन तीन पीस एक बार में लोग खा जाते हैं। कोई भी चीज़ का मीठा बना, खीर बना, सेवई बना, कुछ भी बना, बेसन की बर्फी बनी, कुछ भी बनी, बेसन का लड्डू बना, कुछ भी बना, मीठा हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है। हर खाने के बाद मीठा होना ज़रूरी है। भाई मेरी नतनी हमको सिखाती है शहना किचन कुछ मीठा हो जाए, हमारा ठीक है कुछ मीठा होगा। देखिए अभी भी ये नहीं कुरकुर हुआ, देखिए दब ही नहीं रहा, पूरा ही मुलायम। अभी एक रंग से इसको चलाए चले जा रहे हैं, अभी इसको हुआ ही नहीं है, चले चलाना जरूर। देखिए अभी भी ये देखिए मुलायम है, देखिए एकदम नहीं टूट रहा। जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये चूर नहीं होगा तब तक इसको हमें भूनते रहना है। अब मैं जब तक यहाँ ये काम कर ले रहे हैं, काजू को बुरादा कर दे रहे हैं, काजू और चीनी को बुरादा कर ले रहे हैं। चलिएगा एक रंग से नहीं चलाइएगा, वरना ये तेल छोड़ सकता है, मोटा रह जाएगा। रुक रुक करके बारीक पीसना है। नारियल का ये काजू हमने कर दिया, अब इसमें नारियल का बुरादा डाल करके इसको भी चला देंगे। ये भी मेरा 100 ग्राम है, रोक रोक करके चलाइएगा पल्स पर तो सूखा होगा। इसको ऐसे ही मखाना को पूरा चूर हो जाना चाहिए हाथ से, थोड़ा सा भी और भुनाएगा, थोड़ा सा भी कुरकुर है नहीं हुआ, थोड़ा सा ये और भुनाएंगे जब तक चीनी भी भूख लेते हैं। चीनी आप चाहें तो ऐसे ही दूध में डाल सकती है, पिघल जाएगा, लेकिन मैं भूख देती हूँ तो उसे टेंशन नहीं रखता, क्योंकि हमें इलायची भी भुखना होता है, इसलिए मैं चीनी भूख के ही देती हूँ। इसका मुँह खोल देंगे। मेरी बेटी बोल रही है इतने ही रहने दीजिए मम्मी, देखते हैं और होगा, थोड़ा सा भून देते हैं मखाना भूनने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है ना। तुम लोग काम से बच्चा हो तुम्हें घबराती हो, मैं नहीं घबराती हूँ। ये हमने 100 ग्राम चीनी भी लिया, अब मैं इसको भूख करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा और ले रहे हैं, अगर दिल चाहेगा तो इसमें डाल देंगे। मखाना तल देते हैं, भून कर देते हैं। ये दिए थे, इसमें भी एक चम्मच दिए, 50 ग्राम समझ लीजिए घी अभी हमने दिया है, भी और देंगे हलवा में जब बनाएंगे तब। अब बैच यहाँ भून रहे हैं, जब तक मैं इसको देखिए एकदम ऐसे ही कुरकुर होना चाहिए, तब ये बहुत बारीक पिसाएगा। बहुत बारीक पीसना है, मोटा नहीं पीसना। ये भी हो चुका, अब मैं थोड़ा सा इसको बंद करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर सारा सब डालेंगे तो ये फिर सब मिलाएंगे, तो मिला के दिखाएंगे। जब तक ये ठंडा होता है मखाना वगैरह सब कुछ भूख लिए हैं, चीनी भी यहाँ भूख दिए हैं। चीनी ज़रूरी नहीं है, हमने कहा मेरे पास चीनी इसलिए भूखे कि इलायची पाउडर नहीं है, चीनी इसी के साथ मैं भूख लेती हूँ। सब डालते हैं तो दिखाते हैं। घी लगा करके इसको
घी इसमें बहुत कम खर्च होता है, ये सबसे बड़ी बात है। मीठा है, नारियल भी है, इसीलिए घी कम होता है। मखाना है, बस इसको थोड़ा सा ब्रश से हमने नहीं लगाया, भूल गए, हाथ से लगाते हैं जल्दी जल्दी में। हाथ का काम मुझे से ज़्यादा पसंद आता है बनिस्बत की ब्रश और चम्मच और चमचा से। भाई हम लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग बिहार, उस पर से इंडियन भी हैं, उस पर से बिहारी हैं, मेन बात तो यही है। तो बिहार में जैसा चलेगा वैसे ही मैं काम करती हूँ। मुझे सब चोचलाबाजी मुझे पसंद नहीं आता है, दिखावा वो अच्छा ना लगता है। मेरा काम जो हाथ का है वो हाथ का ही होता है, अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का सामान कैसे। ये हमने सारे चीज़ों को हमने बुरादा कर दिया, देखिए बिल्कुल ही बारीक, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी फूल ये मिठाई बनती है। त्यौहार का भी सीज़न है, दिवाली है, शबे बारात है, जब भी दिल चाहे बना के इसको आराम से रख लीजिए और खाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार में ही इसको हम खाएं और खिला, ऐसे भी तो गेस्ट आते ही रहते हैं। यहाँ हमने 150 ग्राम मखाना लिया था, इसलिए 100 ग्राम चीनी लिया। वज़न फिर से बता दे रहे हैं, चीनी हमने 100 ग्राम लिया, नारियल बुरादा हमने 100 ग्राम लिया, काजू भी हमने 100 ग्राम लिया, मखाना सिर्फ 150 ग्राम था, बाकी सब चीज़ 100 ग्राम थी। बिल्कुल ही बारीक ये पिस चुका है, दूध भी इधर ठंडा हो गया। वो बाहर जाकर बैठे हुए हैं, चढ़ाया हल्का भी, गैस को बंद ही कर देते हैं। इसको पहले नीचे रख करके आसानी होगी, पहले सबको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो गुठली पड़ गई तो वो खराब हो जाएगा। ये थोड़ा सा नारियल का पिस्ता बादाम ये सब सजावट में डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे तब चढ़ाएंगे। आप चाहिए तो दूध में भी चीनी दे करके पिघला सकती हैं, हमने नहीं पिघलाया, नीचे इसलिए कर लिए कि कहीं हो सकता है नीचे ही मेरा जम जाए, सूख जाए, तो सारा चीज़ बुका हुआ है ही, सट से जमा देंगे। जमाने के बाद एक घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकालेंगे, तब ठंडा हो जाएगा, तब इसका पीस बाहर निकालेंगे। देखिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा गैस जलाने का, फिर भी थोड़ा सा चढ़ा करके थोड़ा सा चीनी उन्हें अगर मोटा होगा कहीं, चीनी हमने चाला नहीं, भूल गए गप में रह गए, इसीलिए हो सकता है चीनी मोटा तो नहीं होगा, पीसा हुआ था बारीक नज़र ही आ रहा था। बहुत अच्छे से ये हमने मिक्स कर दिया, इसमें अब एक चम्मच घी देंगे, क्योंकि घी इसमें बहुत कम पड़ता है, लेकिन ये लगता है हमें बिल्कुल नाप सही था, इसलिए सब चीज़ मेरा सही उतरा, ना तो सूखा, ना ही गाढ़ा हुआ, ना ही गीला हुआ, ना ही कुछ हुआ। नाप परफेक्ट रखिएगा तो सामान भी आपका परफेक्ट बनेगा, और नहीं कोई चीज़ अच्छा रखिएगा तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं बनेगा, बस मेरा यही कहना है। मेरा क्या किसी का भी यही कहना है, कोई भी चीज़ बनाइए दिल लगा के बनाइए, अच्छे से बनाइए। देखिए अब मैं इसको धीरे धीरे, नहीं लगता हमें चढ़ाना पड़ेगा गैस पे, पूरा मेरा अच्छे से मैश हो चुका, मिक्स हो चुका सारी चीज़, खूब अच्छा अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की, मैं कह नहीं सकती, और घी की, घी की जो बातें दूसरी होती है। देखिए पूरा अच्छे से पूरी चीज़ एक एक मेवा सब मिल गया इसमें, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है जब सुधरने लगती है। मेरी इशारा थी मम्मी चीनी आपने दी है, बोल रही हैं खाली,
मेरी बेटी मेरा बहुत सपोर्ट करती है, अल्लाह उसको सेहतियाब बनाए। इसका भी चैनल चलता है, नाम अभी नहीं बताएंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा मिक्स करना है, अभी गर्म है पूरा। जब ये मिक्स कर लेंगे तब देखेंगे इसको डाल करके चढ़ा करके, ज़रूरत पड़ेगा तो इसको चढ़ा देंगे थोड़ा सा पिघल जाए चीनी। मेरी बेटी ने मेरा जान बचा दिया, नहीं तो अभी लोग खाते तो कहते कि कहाँ ये हलवा, ये फीका हलवा बना। देखिए कितने अच्छे थे सब चीनी, इसलिए मैंने बुक करके दिया था, इसलिए भूल गए थे। ऐसे लोग दूध में डाल लेते हैं, मैं तो ऐसे बार बार बोल रही हूँ। कितना खूबसूरत एकदम लग रहा है जैसे खोआ है, खोआ का मिठाई है। मखाने की बर्फी बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाने की कोशिश करें। मैंने बहुत तरीके की बर्फी बनाई है, डाली है शाहिना किचन में। देखें हमें नहीं लगता है कि इसको हमें फ्रीज में रखना होगा, काटने के लिए हमें रखना पड़ेगा क्योंकि इसको जमाना है। जब मैं आएंगे एक घंटा के बाद ही ये फ्रिज से निकलेगा। इसको चम्मच से निकाल देंगे पूरा अच्छे से, एकदम लग रहा खोए की मिठाई है। अभी तो इससे करते हैं, फिर से बाद से बाद में चम्मच से करेंगे चिकना, और तब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डालेंगे। देखिए कितना अच्छा, कोई कहेगा कि ये मखाना का है, इसमें तो सारा ड्राई फ्रूट्स पड़ा। जितना ड्राई फ्रूट देना दीजिए हलवा में, तो ये अपनी पसंद होती है। मैं तो अभी फिर भी खाली काजू डाली हूँ, चाहिए तो आप बादाम वगैरह भी डाल के बना सकती हैं। मिठाई है, मिठाई में तो जितना ड्राई फ्रूट डालिए उतना अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे से हमने कर दिया। अब इसको चम्मच से करेंगे बराबर, एकदम ठंडा हो गया है, लेकिन अभी इसको एक जम फ्रिज में रखना है एक घंटे के लिए, तब इसका पीस कटेगा अच्छे से। यह हमने बादाम वगैरह है, थोड़ा सा पिस्ता, पिस्ता बादाम में सबका कतरन दे दीजिए तो अच्छा लगने लगता है। पिस्ता इसलिए अच्छा लगता है कि ये ग्रीन ग्रीन व्हाइट में ज़्यादा बेहतर लगता है। थोड़ा सा घी चम्मच में लगा करके, बहुत कम घी लगा इसमें, चम्मच से दो चम्मच दिया हमने, देखा ही समझिए तो 100 ग्राम पड़ा। बस ये हो गया, अब इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। अभी काटेंगे तो अब कटेगा ही नहीं।